जालौर में 9 साल के दलित छात्र का शव अहमदाबाद से सुराणा गांव पहुंचा। शव गांव पहुंचते ही गुस्साए भीम आर्मी के समर्थक मृतक छात्र के घर के बाहर जुट गए और मौके पर तैनात पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा। लाठीचार्ज में मृतक छात्र के मामा सहित 5-6 लोगों को चोट आई। मारा भतीजा की लाश होती मन पे मन के मैं बॉडी भी पीरा वास्ते राजपूत मराइयो पुलिस लाई आ हमें मराइयो हमें मारा भाई मारी बिना महिला पुलिस प्रोटेक्शन अंदर कोई जट पुलिस जा रहा है भाई मेडो मारे भाई ने हग्गा भाई ने मान ने लगे ना माता रे मैं इतरो लगाड़ियो है लकड़ी की मैं ओकड़े धरो भाई हॉस्पिटल है हॉस्पिटल ले लिया बराबर है हां मारा भतीजा की लाश बड़ी है मटकी में पानी पीतो तो मार से हो भी हो चंड चंड कारण थी मैं वगैरह पुलिस बुलाई तो पुलिस मारी सहायता नहीं की थी विरोध करने वालों ने गाड़ियां खड़ी कर गांव का रास्ता ब्लॉक कर दिया था। घायलों तक को अस्पताल जाने नहीं दिया जा रहा था। मामला बिगड़ने की आशंका के चलते प्रशासन ने अगले आदेश तक रविवार सुबह से ही जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी। अब धीरे धीरे ये मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने सहायता कोष से 5 लाख के मुआवजे की घोषणा की और वहीं कलेक्टर ने 4 लाख की सहायता राशि की स्वीकृति दी। चालान पेश होने के बाद 4 लाख की और सहायता राशि कलेक्टर की ओर से स्वीकृत की जाएगी। वहीं इस पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुराणा गांव के जालौर जिले के इंद्र मेघवाल की शिक्षक के द्वारा पिटाई से मौत हो गई। ये समाज के समक्ष भी और शासन के समक्ष भी एक यक्ष प्रश्न खड़ा करता है कि इतने वर्षों के बाद भी भारत जिस खूबी के लिए जाना जाता राजस्थान की जो खूबी थी सद्भाव एकता समरसता और भाईचारा मुझे लगता है उस पर किसी की नजर लगी है। शासन को जरूर इतना चेताना चाहूंगा कि पिछले 3.5 वर्षों में एक के बाद एक जिस तरीके से दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई है प्रदेश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ है। ये घटना समाज की तो आंख खोलती है क्योंकि मुझे लगता है कि सबकी एकता से समरसता से भाईचारे से ही कोई समाज बनता है। इस विकृति से लड़ने के लिए क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं लगातार होती आई हैं वो घटनाएं आज समाज को सोचने के लिए विवश करती हैं कि आजादी के 75 वर्ष हम लोग मना रहे हैं लेकिन उस समय जिस तरीके की सामाजिक विकृतियां इस तरीके की जिसमें समाज में भेद खड़ा होता हो मुझे लगता है कि ये समय है अब सिंहावलोकन का कि जाति पंथ मजहब इनसे ऊपर निरपेक्ष होकर समाज के सद्भाव के लिए हम काम करें। शासन के लिए इतना ही कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अपराध तभी करता है कोई भी व्यक्ति बेखौफ तभी होता है जब उस पर शासन का इकबाल खत्म हो जाता है। राजस्थान की सरकार के रहते इस तरीके की अनगिनत घटना इसी बात का प्रमाण है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री लाचार है राजस्थान का जो गृह मंत्री है वो मजबूर है और वो इन सब बातों को कायम करने के लिए कमजोर है और जब सरकार कमजोर होती है मंत्री कमजोर होता है मुख्यमंत्री कमजोर होता है तो ऐसी घटनाओं में इजाफा होता है। मुझे लगता है कि पानी अब सर से गुजर गया लेकिन एक अपील जरूर करूंगा कि हमारे लिए सियासत से बड़ा समाज है समाज की एकता और भाईचारा बना रहे ये अपील जरूर करूंगा जो दोषी है उनको कड़े से कड़ा दंड। मृत बच्चे के पिता ने शिक्षक पर आरोप लगाया कि उनके मारने से बच्चे को परेशानी हुई लेकिन घटना को लेकर जब स्कूल के बच्चों से बात की तो पता लगा कि बच्चे के कान में पहले से ही परेशानी थी। क्या कोई अलग से मटका रहता है शिक्षकों के लिए या विद्यार्थियों के लिए? अगर उस दिन हुआ क्या था इंद्र के साथ क्या थे क्या हुआ था उस दिन? उसे कान में रस्सी आती थी। हाँ। तो क्या शिक्षकों ने उसके साथ मारपीट की थी? टांका है यहाँ पर मटकी वगैरह ऐसा कुछ रहता है क्या अंदर? नहीं। मटकी का वो सिस्टम है क्या पढ़ते हो? इंदर जो ये बच्चा है जिसकी मृत्यु हुई आपके साथ पढ़ता था? यस। उस दिन क्या हुआ था कोई ऐसी मारपीट या ऐसा कुछ इंदर के साथ की थी टीचर ने? नहीं। और इसके कोई पहले से कोई प्रॉब्लम थी कान में या ऐसी कोई? कान में रस्सी आती थी और कान में काल के आता था।
इस बीच सवाल उठता है कि ऐसी घटनाओं के बाद सरकार का सहायता राशि देना और कलेक्टर का अपने गृह जिले पर सही पकड़ न होना ये दर्शाता है कि सरकार और प्रशासन दोनों केवल मूक दर्शक बने रहने के लिए कुर्सी पर बैठे हैं। पंजाब केसरी से रौनक पारेख और हरिनाम सिंह की रिपोर्ट।